फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राजस्थान जी के विद्योगेंद्र पवार में। और दोस्तों, मैं फिर से आज रो शैक्षिक समाचार राजस्थान की वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज 2 अप्रैल 2018 के शैक्षिक समाचार कौन कौन से है, तो दोस्तों देख लेते हैं आराम से। 15.5 साल से लगातार गए स्कूल, 100% अटेंडेंस का अनोखा रिकॉर्ड होगा। 18 साल के अक्षत ने 3,280 दिन में एक भी दिन स्कूल मिस नहीं किया, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा करेंगे। भी कंट्रोवर्सी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने पर परीक्षा नियंत्रक व रजिस्ट्रार में अनबन। रजिस्ट्रार अपने क्षेत्रों को फायदा पहुंचाने के लिए राजकोष खर्च करना चाहते हैं। परीक्षा नियंत्रक और परीक्षा नियंत्रक अपनी रिसिप्ट तथा डिस्पैच टीम बनाकर खुद रजिस्ट्रार करवा ले परीक्षा। प्राथमिक शिक्षा प्रदेश में तीसरे नंबर पर जिला। रीट की आपत्तियों का विशेषज्ञ करेंगे निस्तारण। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, प्रवेश सूचना जनवरी 2018। परीक्षा से 40 मिनट पहले लीक हुआ था अर्थशास्त्र का पेपर, 3 जने पुलिस हिरासत में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान CBSE पेपर लीक मामला। अस्पतालों व सरकारी स्कूलों का समय आज से बदलेगा। 1,257 खाली पदों पर कई साल से नहीं कर पाए भर्ती। प्रदेश में पहली बार 13 कुलपति राजभवन के रडार पर भर्तियों में विलंब के लिए मांगनी पड़ेगी माफी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। बोर्ड परीक्षा का अंतिम पर्चा आज, अब उत्तर पुस्तिकाओं का जांच कार्य पूरा कर समय पर परिणाम जारी करने की कवायद शुरू। CBSE 15 जिलों में केंद्रीय मूल्यांकन। RPSC में 1,200 पदों पर प्रधानाध्यापक भर्ती। 2,500 से अधिक पटवारियों की भर्ती होगी। राजस्व मंडल ने तैयार किया अभ्यर्थना, इसी माह अधीनस्थ बोर्ड को भेजी जाएगी। पहली बार शिक्षक को दायित्व प्रोफेसर दत्ता होंगे। माँ श्री दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक कुलपति ने जारी किया आदेश। रिमोट सेंसिंग विभागाध्यक्ष और चीफ प्रोटेक्टर को सौंपा दायित्व। आज की इतिहास की प्रमुख खबरें भी देख सकते हो आप। स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा 5 से 12 का पेपर अब 1 मई को। PhD प्रवेश परीक्षा 6 मई को, आवेदन 21 अप्रैल तक। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भर्ती परीक्षा का पेपर 5 लाख रुपए में बिका। 45 छात्र, 2 एजेंट भी पकड़े गए। CBSE स्कूलों में आज से नया सत्र शुरू। दोस्तों, ये जो खबरें थी, ये प्रमुख शैक्षिक समाचार राजस्थान से संबंधित 2 अप्रैल से संबंधित खबरें थी प्रमुख। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप शैक्षिक समाचार राजस्थान से संबंधित रोज नई अपडेट लेना चाहते हो सुबह की, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और दोस्तों, अच्छी वीडियो लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आऊँगा शैक्षिक समाचार 3 अप्रैल 2018 की नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय राजस्थान।